वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जी मरियम मनीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मरियम, यस सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। आई वांटेड टू आस्क कि आपने एक दो बार क्रेसवेल की बुक का जो जिक्र किया है कि वो काफी अच्छी है रिसर्च के हवाले से, तो सर हाँ ये आपने उसी बुक की बात की है जिसका आपने लिंक शेयर किया था, रिसर्च डिजाइन थर्ड एडिशन बाय जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल? यस यस यस, सेम बुक है ओके, ये सारी। थैंक यू सर। ये सारी प्रेजेंटेशंस उस बुक के चैप्टर वाइज बनी हुई है, उसको ही हम पढ़ रहे हैं, उसी बुक को पढ़ रहे हैं। जी सर, मैंने असाइनमेंट्स बनाते हुए उस बुक को कंसल्ट किया था, तो अच्छा, कैसी लगी ये बुक? मैं ठीक कहता हूँ कि सही है वो? जी सर मुझे उससे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। एक बड़ी आपको कह लें कि इट जस्ट ब्रॉडन्स योर हराइजन्स अबाउट द रिसर्च। यस, लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी, क्योंकि वो फाइव जो ट्रेडिशंस हमने देखनी थी उनमें से केस स्टडी, एथनोग्राफी, नरेशन और दो और हैं, तो हम शुरू करते हैं केस स्टडी से। इसको हम डिफाइन करते हैं, केस स्टडी होती क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। अ केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ एन इशू टू वन आर मोर केसेस इन अ सेटिंग आर कॉन्टेक्स्ट अबाउंडेड सिस्टम। किसी एक बाउंडेड सिस्टम में, एक ऐसा सेट जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को स्टडी कर रहे होते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्ट मीन बंदा, शख्स जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसको स्टडी कर रहे हैं। एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द इंक्वायरी। फाइनली हमारी इंक्वायरी के प्रोडक्ट यही लोग होते हैं। वन केस आर मल्टीपल केसेस ओवर टाइम कैन बी स्टडीड। एक वक्त में कई लोगों को स्टडी किया जा सकता है, या सिंगल केस स्टडी भी होती है। आपके जो पीएचडी रिसर्च है, पीएचडी थीसिस, ये भी सिंगल केस स्टडी भी हो सकते हैं और मल्टीपल केसेस भी शामिल होते हैं, खासतौर पे बिजनेस में और मार्केटिंग में तो सिंगल केस स्टडीज हैं। बहुत सारे लोगों ने बीबीए एमबीए में अकेला गोरमे को स्टडी करके थीसिस कंप्लीट किए हैं अपने। बट एनीवे, ये अगेन डिजाइन की नेचर पे डिपेंड करता है जो हमने पढ़े। लेट्स सी व्हाट फर्दर इज। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा आर यूज्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम डिटेल्ड इन डेप्थ डेटा कलेक्शन। एक्चुअली केस स्टडी का मेजर पर्पज ही यही है कि इन डेप्थ आप चीजों को एक्सप्लोर करें और उन तो बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, फिर उसको ट्रांसक्राइब करें, इंटरप्रेट करें और डिसमिनेट करें, लोगों में शेयर करें। द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस एंड थीम डेवलपमेंट अबाउट द केस। केस स्टडी रिसर्च इज इंटरडिसिप्लिनरी। ये किसी एक सर्टन डिसिप्लिनर में नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी भी कहलाती है या होती है। Types of case studies. There are different types of case studies. That is, first one is a single instrumental case study. The researcher focuses on a single issue, then selects a single case to illustrate the issue. तो एक सिंगल इशू और एक सिंगल केस पे उसको एक्सप्लोर करना है और फिर इलस्ट्रेट करना है, इसे हम कहते हैं सिंगल इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। कलेक्टिव आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। द रिसर्चर फोकसेस ऑन वन इशू बट सिलेक्ट्स मल्टीपल केसेस टू इलस्ट्रेट द इशू दैट कैन बी पर्पजफुली सैंपल्ड फ्रॉम वन साइट और सेवरल साइट्स। इशू एक होता है लेकिन केसेस मल्टीपल होते हैं उस इशू से मुतल्लिक। इशू से यहाँ मुराद ये है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम। उस रिसर्च प्रॉब्लम पे, क्योंकि ये केस फॉर सिंगल इशू है, सिंगल प्रॉब्लम है, इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल अमलगामेशन नहीं हो सकती। सिंपल इशू पे आगे हम जाते हैं। फर्ज करें रीडिंग हैबिट्स ऑफ वेल रेनोन्ड क्रिटिकल लीडर्स। तो रीडिंग हैबिट तो एक ही केस इशू है, इस पर डिफरेंट केसेस वेल रेनोन्ड क्रिटिकल लीडर्स को डिफाइन करें और देखें कितने लोगों से मिलना है, कितनों से पता करना है। लाइकवाइज
इंट्रिंसिक केस स्टडी थर्ड टाइप है इंट्रिंसिक. दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द केस इटसेल्फ बिकॉज द केस प्रेजेंट्स एन अनयूजुअल और यूनिक सिचुएशन दैट इज एवेल्युएशन एवेल्युएटिंग अ प्रोग्राम और वन पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज हैविंग डिफिकल्टीज इन स्टडीइंग. तो केस को इटसेल्फ ही एक्सप्लोर करना इंट्रिंसिक केस स्टडी कहलाती है. तो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम टाइप ऑफ केस स्टडीज पढ़ रहे हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च का ये मेथडोलॉजी है, इसके अंदर इसको हम देख रहे हैं. हमने अब तक थ्री टाइप्स की बात की है, सिंगल इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, कलेक्टिव और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी और इंस्ट्रूमेंट इंट्रिंसिक केस स्टडी. लेट्स सी द प्रोसीजर्स, केस स्टडी रिसर्च के प्रोसीजर्स क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन इफ अ केस स्टडी इज एप्रोप्रिएट फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम. देन आइडेंटिफाई द केस आर केस टू बी स्टडीड. What kind of case study is most appropriate? What case or cases will be studied? Select cases that show different perspective through Maxwell variation sampling. Sampling means sampling techniques. Maxwell mein different bata rahi hai. Engage in multiple forms of data collection, including interview, observation, documents analysis. Audio, visual materials, participants' observations to develop an in-depth understanding of the cases. These all are the different forms of collecting data for case study or engaging the person in a case study. Then there is to develop a detailed description of the case and common themes in the cases. When using multiple cases, describe each case and theme first. Compare cases to look for common themes, look for common assumptions and meanings within the case. Report the lessons learned from the case regarding the issues of the case, instrumental or learning about unusual situation. I would like to take a pause here and would like to see what the course outline says just for a minute. Here in course outline you can see that choosing the appropriate qualitative research methods or combining mixed methods. तो इस टाइटल के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स एप्रोप्रिएट. हमने जो पढ़ने हैं उसमें से एक अभी हमने शुरू कर दिया केस स्टडी और इसको कंप्लीट करके फिर हम पांच तक पढ़ लेंगे तो मिक्स मेथड की तरफ आएंगे. ठीक हो गया. केस स्टडी एग्जांपल overview of the study. The study described a campus reaction to a gunman incident on a Midwestern university campus. The study began with a detailed description of the incident, including a description of the city, campus and the incident. The study used multiple sources of data. Ye kisi gunman incident hua university mein तो उसके डिफरेंट सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करके तो देख बताया जा रहा है उस केस से मतलब केस हुआ था 1995 में. ये दो लोग हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया था, अम्यूजन एंड क्रेसवेल. ओवरव्यू ऑफ द स्टडी यानी अब ये उसने प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया आपके सामने कि ये केस है दिस वन. अब उसका वो ओवरव्यू बता रहा है कि वो क्या है. फाइव थीम्स वर डिनायल, fear, safety, re-triggering and campus planning. 1, 2, 3, 4, 5. In five themes पे उसने study किया है
themes were narrowed to two overarching perspectives, organizational and social psychological response. अब देखो इन थीम्स को दो फर्दर उसने कर दिया, मर्जिंग फाइव मर्जिंग थीम्स को नैरो करके दो में कन्वर्ट किया है, यानी डिनायल, फियर, सेफ्टी, रीट्रिगरिंग और कैंपस प्लानिंग को दो में ले गया है, ओवरआर्किंग पर्सपेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल सोशल साइकोलॉजिकल रिस्पांस में. A suggestion was made that campuses need to develop a plan to respond to the campus violence. Any research करके जो उसकी information ले ली, उनको themes पे ले आए, themes के जो results थे, उसमें suggestion भी दी गई कि campus पे जो violence होती है, उसको respond किया जाए. A problem appropriate for case study, description of campus response to gunman incident. Gunman ने firing की होगी, कोई उसमें कत्ल हुआ होगा, मसला हुआ होगा, तो उसकी firing के respond करने के लिए जो reason देखने के लिए appropriate इन्हें लगा process of research वो case study था, क्योंकि gunman एक था ना, उसके case को study करना था कि reason क्या हुई. आप उसमें जो उसने मल्टीपल सोर्सेज फॉर डाटा कलेक्शन यूज किए हैं, उनमें इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑडियो विजुअल मटेरियल है. ऑडियो विजुअल मटेरियल में सीसीटीवी कैमरा, कोई साउंड रिकॉर्ड हुई होगी, डॉक्यूमेंट्स में जो रेलिवेंट कोई वहाँ रिकॉर्ड में किसी की एंट्री आने जाने की, गन इशू कराने की और वगैरह वगैरह रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उस वक्त से मुतल्लिक. The data was analyzed for codes and themes. ये हमने पहले ही पढ़ा qualitative का, ये वतीरा है. इसके अंदर जो data collected उसकी information analyze जब करने हैं तो codes और themes में करने हैं. Themes were used to form overarching. यानी जो similar themes से उनको इकट्ठा किया गया. Prescriptives that were also related to the literature. The case study structure was followed. The problem, the context, the issues and lessons learned. Problem क्या था, किस context में वो problem हुआ, issues क्या थे और यहाँ से result क्या निकला, करना क्या चाहिए, remedy क्या है. The study included practical and useful implications. Authors were reflective about their prior experience related to the problem. Epilogue was the problem. So ये methodology use की गई, यानी डिज़ाइन कौन सा, केस स्टडी, डाटा कलेक्शन की ये टेक्निक्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और ऑडियो विजुअल मटेरियल, प्रॉब्लम क्या था, गनमैन प्रॉब्लम था, फाइव थीम कट को मर्ज किया गया, डिनाइल, फियर, सेफ्टी, रीट्रिगरिंग और कैंपस प्लान को, फर्दर इनको दो में मर्ज किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या ये दो पर्सपेक्टिव्स में रखा गया. और लेसन जो स्टेशन वहाँ थी वो थी कैंपस वायलेंस को रेस किया जाना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑफ रिसर्च. फीचर्स ऑफ केस स्टडी, द ऑथर्स आइडेंटिफाइड अ केस फॉर स्टडी. एक केस था तो ये इंस्ट्रूमेंटल केस बना, जो पहली बात थी हमारी, to illustrate the problem of potential campus violence. ठीक है, case was bounded system. Bounded system इस तरह था, campus के अंदर था. Author used extensive multiple sources of data to provide a detailed picture of the incident and campus response. Author spent considerable time and described the context for the case. इन्हें inquirers जो थे, like inquiry agencies की तरह, तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए ट्रू पिक्चर पेंट करनी थी उन्होंने. फिर वर्ड्स टू यूज इन एनकोडिंग द पर्पस स्टेटमेंट इन द केस स्टडी. इस केस स्टडी में जो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए एनकोडिंग के लिए, कोडिंग तो कर ली थी इंफॉर्मेशन,
उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करना था कंटेक्स्ट में या थीम में, वो ये पांच थीम थे: केस स्टडी, बाउंड्री बाउंडेड, सिंगल केस था, इवेंट था, प्रोसेस हुआ और प्रोग्राम हुआ। ठीक है, पर्पस स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ केस स्टडी, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक केस, बाउंडेड केस। डिस्क्रिप्शन क्या है? डेमोंस्ट्रेट हाउ मेन एक्सप्लॉइट वुमेन लेबर इन दिस पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्स। ठीक है, स्पेसिफिक केस है वुमेन लेबर के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। बाउंडेड सिस्टम कैसे है कि ये प्री डोमिनेटली बाय ओल्डर पीपल, पहले से ऐसा होता आ रहा है, इसलिए ये बाउंडेड केस सिस्टम है। यानी प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ही ऐसी है, इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि ये एक बाउंडेड केस बन जाता है। सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, जो सेंट्रल फिनोमेना की जो बात हो रही थी ना, उसको हाईलाइट करना होता है। तो इस एग्जांपल में सेंट्रल फिनोमेना की तरफ पहुंचने के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जाते हैं। What happened? Who was involved in the response of the incident? What themes emerged during the 8-month period that followed this incident? 8 महीने लगे ये इंसिडेंट होने तक, तो themes क्या थे, वजह क्या थी? What theoretical constructs helped us understand the campus response? Theoretical constructs mean जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस से पता चलता है किस तरह की थ्योरीज और मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, इनकी बुनियाद पर, इन पांच सवालों चार सवालों की बुनियाद पर वो पहुंचते हैं सेंट्रल फिनोमेना की तरफ। सेटिंग की बात अब करते हैं जी, एनालिसिस विद इन द अप्रोचेस टू इंक्वायरी, केस स्टडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस एंड इट्स सेटिंग, इज देयर chronology of event, find event evidence for each step, chronological order में वो हैं। ये जब हम first session में पहली slides पढ़ रहे थे तब हमने बातें की थी। Determine how the case or incident fits into the larger situation, तो ये case की setting से बारे में सवाल है जिनके जवाब उस case में इवॉल्व होता है, डिजाइन जो है वो पूरे के पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अप्रोचेस टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, कैटेगोरिकल एग्रीगेशन, द रिसर्चर कलेक्ट्स इंस्टेंसेस फ्रॉम द डेटा टू लुक फॉर इश्यूज रेलेवेंट मीनिंग, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, रिसर्चर्स लुक एट द सिंगल इंस्टेंस एंड ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम इट। इंसिडेंट्स की मुख्तलिफ तरह के पहलुओं का, अलग अलग पहलुओं को एनालाइज करते हुए उसके मीनिंग ड्रा करते हैं। फिर अप्रोचेस टू एनालाइज द इंटरप्रिटेशन, अब वो इंटरप्रिटेशन हो गई, क्या देखना है कि ये जस्टिफाई कर भी रही है, उनको कैसे क्रॉस केस एनालिसिस करके, किसी में नाला भी डाल रहा था उधर से, किसी को कहना कर दें। और क्रॉस केस एनालिसिस करके खुद ही अंदाजा हो रहा है कि कहां कहां की अगर कुछ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी आती है देखी जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमने पहले नहीं पढ़ा था कि जहां उसमें तीन तरीके हैं देखने के लिए कि वो सब ठीक भी है कि नहीं, पीयर्स हैं, खुद केस को एनालाइज करना है या रिव्यू करवाना है, एक्सटर्नल ऑडिट करानी है, ये वो है। नेचुरलिस्टिक जनरलाइजेशन, रिसर्चर्स नोट्स व्हाट कैन बी लर्न्ड फॉर इंडिविजुअल्स आर अ लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम द केस, क्या लार्जर पॉपुलेशन को इससे कोई गाइडेंस मिलेगी, फायदा होगा। रिपोर्ट लिखने का स्ट्रक्चर ये होगा, एंट्री इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्वेश्चन, अब वो रिसर्च प्रपोजल का सारा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन भर दी जाएगी जो अभी तक इकट्ठी की, कि प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन क्या था, केस क्या था, डाटा कैसे कलेक्ट हुआ, एनालाइज कैसे हुआ और आउटकम्स क्या आए। फिर केस की डिस्क्रिप्शन, कॉन्टेक्स्ट क्या था,
इश्यूज क्या थे, डिटेल अबाउट सिलेक्टेड इश्यूज, प्रदर्शन्स, और फिर इसको क्लोज करना है. दिस इज द रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ ऑल दिस कंडक्टेड रिसर्च, दैट इज द केस स्टडी. ओवर केस स्टडी, ओवरऑल रिटोरिकल स्ट्रक्चर केस स्टडी का क्या हो सकता है. राइटर ओपन्स विद द वैजेंटी सो द रीडर कैन गेट अ फील फॉर द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टडी. उसको जब वो स्टार्ट करता है तो ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है जिस तरह किसी ड्रामे में या फिल्म में अंदाजा होता है, महसूस होता है कि टाइम क्या कौन सा है और जगह कौन सी है. इश्यू इज आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद द मेथड ऑफ पर्पस, रिसर्च का पर्पस उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फिर उसकी एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन होती है, की इश्यूज को प्रेजेंट किया जाता है, उनकी कम्प्लेक्सिटी समझी जाती है. फिर सेवरल इश्यूज जो उससे रेलिवेंट हों उन्हें प्रेजेंट किया जाता है. राइटर्स एंड्स विद द क्लोजिंग प्रेजेंटी माइंड, फिर उसको क्लोज करता है डिफरेंट एनकाउंटर के साथ. ठीक है, क्रोनोलॉजी का जिक्र आता है, लेसन लर्न जो आते हैं उनका जिक्र आता है. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी एम्बेडेड रोटरी का स्ट्रक्चर. ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस हो गए हैं. आई अनम्यूट द माइक नाउ फॉर ऑल ऑफ यू एंड वुड लाइक टू लिसन यू. आज हमने पहले दो सेशंस के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च के डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पढ़े, और अभी इस सेशन में हमने केस स्टडी को पढ़ा कि ये डिटेल में कैसे होता है, कंडक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे पोज करते हैं. और सबसे अच्छी बात के गिवन एग्जांपल थी, एक पूरा सेटअप आपके सामने खोल के रख दिया गया गनमैन के साथ का कैंपस. उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, क्या थीम बनाए, उनको नैरो डाउन कैसे किया, इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या टेक्निक्स यूज की, उनको कोडिंग कैसे की, इंटरप्रेट कैसे किया, और लोगों के सामने पेश कैसे किया. फिर इसके स्ट्रक्चर को हमने देखे, ओवरऑल रेटिकल स्ट्रक्चर और एम्बेडेड. एम्बेडेड मीन जो लाजमी हिस्से आपकी रिसर्च प्रपोजल में भी हमने देखे थे. आपने अब अगर कोई क्वेश्चन करना है तो ज़रूर आप अपना अनम्यूट करें माइक और क्वेश्चन करें. पूछना है कुछ तो पूछें. इट्स अप टू सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से अभी एक्सटेंड हो गई है समर वेकेशंस भी, सर ये एग्जाम पैटर्न क्या होगा मिड टर्म का? अच्छा, ये मैंने अभी यूनिवर्सिटी से नहीं पूछा कि वो क्या करेंगे, मैं यकीनन उनसे पूछ लूंगा. असाइनमेंट्स तो मैं अपने अपनी मर्जी से अपनी रूटीन में ले रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अंदाजा होता रहे कि आप लोगों की लर्निंग किस हद तक हो रही है और मुझे कहाँ अपनी मेथडोलॉजी चेंज करने की जरूरत है. तो मैं यकीनन यूनिवर्सिटी से पूछूंगा और इंशाल्लाह अगली क्लास तक मुझे पता चला तो जरूर बताऊंगा. थैंक यू सर. वेलकम वेलकम जी. फायजा असलम, आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना है आपने? हेलो, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो जरूर प्लीज. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम. यस प्लीज. इसका लफ्ज हम तब बोलते हैं जब हम थीसिस पे काम करना चाहते हैं. हम मानी है इनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही प्रोसेस के, एक ही चीज के दो नाम हैं. जब हम थीसिस के लिए कहते हैं तो उन्हें कहते हैं जी सिनॉप्सिस जमा करवाएं. अदरवाइज जनरली रिसर्च प्रपोजल इसको डिस्कस करते हैं फॉर प्रोजेक्ट पर्पस, फॉर एनी अदर कंडक्शन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट. ये फ़र्क है. सिनॉप्सिस का लफ्ज सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है जी. और
एनीबॉडी एल्स? वफा सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी अटेंडेंस के आगे के लिखा हुआ है। तो फिर क्या किया जाए, के को क्या करें, किलो बना दें? मोस्टली स्टूडेंट की अटेंडेंस के आगे के लिखा हुआ है सर। यार वो मैंने अपने लिए निशानी लगाई थी, के मींस ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने ना असल में जी पहले जो दो लेक्चर्स है ना वो मेरे ना मतलब उसकी जो असाइनमेंट आपने दी थी ना वो मेरे से सबमिट नहीं होगी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी क्या अब मेरे पास है टाइम, मैं करवा सकती हूँ या उसका क्या प्रोसीजर होगा नेक्स्ट? उसकी क्या वजह बनी जो दो असाइनमेंट है ना? वजह क्या सर? वो कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं नहीं करवा पाई सबमिट जी। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल से मेरे ईमेल, जो ऑफिशियल ईमेल मैंने सीएमएस में दिया हुआ है, उस पर ईमेल करें और अपना ये मसला वहाँ बयान करें। इसको हम डॉक्यूमेंट में लाते हैं ना, इसे कहते हैं अपना जी। वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में लेके आते हैं, वहाँ पर मैं आपको अलाउ करूँगा और प्रपोज करूँगा कि मैं आपको इन कंडीशन पर अलाउ करता हूँ। कंडीशंस क्या होती हैं? हम करें फाइव मार्क्स की असाइनमेंट है, तो जिन लोगों ने इन टाइम जमा करवाई उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा अगर आपको मैं उन्हीं टाइम्स पर आपको अलाउ कर दूं? हो सकता है मैं वहां कहूं कि जी मैं इसको मैक्सिमम 3 मार्क्स में से एवेल्यूएट करूंगा, अगर आप एग्री करते हैं तो जमा करवा दें। तो आप ईमेल करें, उस पर फिर अपॉर्चुनिटी में देना चाहूंगा अपनी ऑफिशियल आईडी से जी, जो सीएमएस जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है उससे जी। सर थैंक यू सो मच सर, मैं जी जी। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है सबके लिए सर। थैंक यू सो मच सबके लिए। एक बात है महमूद, कि आप लोग मुझे ईमेल करते हो एक्सेस दें गूगल ड्राइव पे। यस सर, बिल्कुल। वो आपको जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप अपना पर्सनल जीमेल आईडी यूज कर रहे होते हैं। अब आप लोग की आसानी के लिए मैंने ये किया है कि इन सारे लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। यूट्यूब का लिंक मैंने सीएमएस में डाल दिया है। कल अगर आप देखें तो जहां अनाउंसमेंट है वहां मैंने सारे डाले हैं, 8-9 लिंक। अब आप अपने पर्सनल आईडी से उनको एक्सेस कर सकेंगे। Thank you, sir. उस आईडी को क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर खुल जाएगा और आप सुनना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये मैं ओरिजिनल जो है स्लाइड्स इनको भी अपलोड कर रहा हूँ कि अगर बाज़ुकात साउंड का इशू आ जाता है व आपको सही समझ नहीं आती, रीडिंग नहीं हो पा रही, तो आप ओरिजिनल स्लाइड्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वफा हूँ मैं जी। और सर उस दिन जो लास्ट असाइनमेंट मैंने जमा करवाई थी तो उसमें 10 में से 6 नंबर मुझे मिले, तो सर मैं पहले यही सोच रही थी कि आज जब होगा सेशन तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ऐसी गलतियां कोई हमसे रह जाती हैं जिसमें नंबर हमें कम मिलते हैं। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा सारा लेक्चर ही उसी थ्रू हो गया है, तो मैं आप अगर गाइड कर देंगे कुछ तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं इसी लेक्चर के थ्रू भी सोचूंगी कुछ ना कुछ अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करूंगी खुद भी। हाँ, एक्चुअली मेरा सिखाने का तरीका यही है कि पहले मुश्किल में डालो फिर उनके हल बताओ, ताकि लोग लर्निंग बाय डूइंग करें ना। पहले हल बता के फिर मुश्किल देना तो कोई काम नहीं होता। आप गो थ्रू हो, आप सर साइकोलॉजिकली डील करते हैं, तो आप उसको गो थ्रू हो, मुझे ईमेल में आप अपनी जो असाइनमेंट है अटैच करके भेज दें, मैं उस पे कमेंट्स दे दूंगा, रिव्यू करके कमेंट्स दे दूंगा कि इसमें ये गलतियां हैं, या फिर बहुत शुक्रिया सर, या फिर किसी कन्वीनियंट टाइम में आप कॉल भी कर सकते हैं, पहले टेक्स्ट कर लें फिर कॉल कर लें मुझसे। ये व्हाट्सएप और मैसेज वगैरह नहीं, मैं इतना हैंडी नहीं हूं। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह मैं जरूर ईमेल करूंगी। थैंक यू
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप बात करनी थी एक के जी, मैंने मॉर्निंग सेशन पे एडमिशन लिया था। ठीक है सर। उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो गए तब मैं मॉर्निंग पे था, तो हमारा जो शिफ्ट इवनिंग पे हमें शिफ्ट किया गया, आप तब हमारा सीएमएस इशू आ रहा था। शरबाज बात कर रहे हो? जी सर। जी जी करो करो बात। तो इसमें से जो प्रीवियस जो असाइनमेंट थे सर, दो असाइनमेंट रह गए, ये लास्ट वाला तो जमा कराया, प्रीवियस जो असाइनमेंट था वो हमारा सबमिट नहीं हुआ। वो चूंकि आपका आईडी सीएमएस पे आपका आईडी नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए आप जमा नहीं करवा सकते होंगे, तो आप भी उन्हें। जी सर वो तो हम मॉर्निंग में थे ना सर, हम मॉर्निंग शिफ्ट में थे हम। अच्छा मॉर्निंग शिफ्ट से हमें जब इवनिंग पे शिफ्ट किया तो थोड़ा इशू आ रहा था हमारा सीएमएस पे, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते से ज्यादा भी हमारा इशू चला। ठीक है, आपको उसमें आपको उसमें वही रियायत देते हैं जो बाकियों को मैं कह रहा हूँ। आप ईमेल करें, अपना मसला लिखें और साथ अटैच करके भेजें अपनी असाइनमेंट, देखते हैं। ठीक है सर। लेकिन आपने जीमेल से ना भेजें, मेरे ऑफिशियल पे भेजनी है, मैंने सीएमएस पे चलाया हुआ अपना ईमेल आईडी। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और कोई बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुजाहिद स्पीकिंग। जी जी मुजाहिद नयार। सर मेरा जी सर, सर मेरी थोड़ी सजेशन थी, अगर सर आप एक्सेप्ट करें सर, थोड़ा लेक्चर के हवाले से सर। बताएं बताएं सर। बिकॉज रिसर्च इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट सर, सर इस फील्ड पे इट विल बी सर फ्रूटफुल अगर आप सर इन द एंड ऑफ द लेक्चर सर कोई स्पेसिमेन, कोई रिसर्च पेपर सर, कोई सर ऐसा में दिखा दिया करें सर किसी भी लेक्चर में। वो टेक्निकल टर्म्स सर समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है हमें। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, मैं उधर सीएमएस पे ना अपलोड कर दूंगा इसके साथ। दूसरा सर मैंने आपको मेल भी की थी। दूसरा सर मेरी फर्स्ट अभी असाइनमेंट अभी सर मार्क नहीं हुए, मैंने कल आपको सर वो मेल भी किया सर, वो भी सर अगर काइंडली सर वो भी कर वो डेट के बाद जमा है ना, डेट कोई और है जमा करवाना? जी सर वो आपको मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी सर, आफ्टर 2 डेज मैंने की थी सर सबमिट। तो ठीक है, देखें ये हम ना सबके लिए रूल बना लेते हैं क्रॉस द बोर्ड, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और मुझे भी मसला ना हो, क्योंकि अगर मैं बैक डेट में कंसीडर करूंगा तो फिर बाकी लोगों के साथ ज्यादती होती है जिन्होंने इन टाइम काम किया है। जो इन टाइम काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और जो लेट हों उन्हें उनका थोड़ी बहुत जो है वो की जानी चाहिए। तो सर यू आर राइट सर, असल में सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, कि पहले तो सर वो पहला लेक्चर ही हमसे मिस हो गया था सर, वो दूसरा में पता नहीं चला था आईडी का, और ये तो लेक्चर ही हमारा पहला मिस हो गया था सर। फिर मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था कि सर ऐसे सर इशू आ रहा है मुझे अंडरस्टैंडिंग में सर, हाउ टू कंपाइल सर असाइनमेंट, दैट्स व्हाई सर यू गेव मी सर 2 डेज। मंडे को करवाना था आपने, वेडनेस को कहा था सर, मैंने वेडनेस को सबमिट करवा दी। आप यही इशू था सर कोई और? यार बात सुने ना, ईमेल पे सारे काम करें ना, मुझे टेक्स्ट पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती ना टाइम होता है। तो आप ईमेल करें और डिटेल में लिखें और साथ अटैचमेंट कर दें अपनी असाइनमेंट। सर मैंने वो कल अटैचमेंट कर दिया सर। ठीक है सर, मैं देख कल मैंने सेंड कर दिया। देख ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। Anybody else? Sir? Sir? Sir, मैं first lecture में present था, first lecture में वहाँ मेरी absent लगी है sir, first lecture में। कौन बात कर रहे हैं? रफीक अंजुम। रफीक अंजुम, एक तो आप अपना नाम ठीक करो ना यार, ये सिर्फ यहाँ रोल नंबर आता है, तो सुन्नत है कि लोगों को उनके अच्छे नामों से पुकारा जाए। मैं अब 18 तो नहीं कह सकता ना, तो 40 ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा आपकी जो अटेंडेंस का इशू है ना, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। अटेंडेंस आज लेक्चर हुआ है ना, तो आज रात 12 बजे तक ये ऊपर अपलोड हो जानी है, फिर करेक्शन वो खुद भी नहीं कर सकते। मैंने जो आपके चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट के, उन्हें ईमेल की थी कि अलाउ करें कि ये बच्चे
अपना गलती से एब्सेंट मार्क हो गए हैं तो इनको करेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसने कहा कि ये खुद मैं भी नहीं कर सकता, आप गुजारा करें, उस एक को जहन में रखें और आइंदा ख्याल रखें। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब कितना हमें मतलब हम कितनी क्लासेस स्किप कर सकते हैं विदाउट वार्निंग? हाँ, आप 25% तो 15 क्लासों का 25% निकालने क्या बनता है? ओके चार चौके 16